हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, स्थायी रोजगार को लेकर, ठीक है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के हाथों में, ठीक है। कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। बहुत से स्कूल हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है। मैं पूरा आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत से स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं, कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है, फिर भी अतिथि शिक्षकों को ट्रांसफर नीति से बाहर किया जा रहा है, ठीक है। देखिए तो सर, ये कितनी क्लासों के बच्चे हैं एक ही कमरे में? सर ये पाँचवीं चौथी तीसरी एक ही क्लास में। और यहाँ शिक्षक कितने हैं? शिक्षक दो है सर। दोनों अतिथि। कोई परमानेंट टीचर नहीं है? परमानेंट टीचर नहीं है। थे तो क्या ट्रांसफर में यहाँ हो गए? थे सर, ट्रांसफर हो गया सर। आप तो कल ही आए ना? जी सर। कब आए आप? सर मैं कल से ही आया हूँ। रिपोर्ट को देखकर आप भी बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का गुनाह करने वालों के शायद सिर पर आ पहुंची है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में कई सरकारी स्कूल शिक्षक विहीन से हो गए। राज्य की तबादला नीति से प्रभावित ऐसे ही स्कूलों का हाल जानने जब एबीपी न्यूज भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के नसरुल्लाहगंज ब्लॉक के सेगांव पहुंचा, तो यहां बदहाली का आलम यह था कि स्कूल के सामने बने शेड में पहली की कक्षा लग रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर एक ही कमरे में एक साथ चार कक्षाओं की पढ़ाई चल रही थी। गुड मॉर्निंग। खास बात ये, इन चार कक्षाओं के छात्रों को सिर्फ दो अतिथि शिक्षक ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि स्थायी शिक्षक अपनी पसंदीदा जगहों पर तबादले लेकर जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सीहोर जिले का स्कूल है और एक कमरे में चार कक्षाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षकों की तंगी है, किताबें ऊपर टंगी हुई हैं। दरअसल ये किताबें बच्चों की, अच्छा ये किताबें तो पढ़ते हो तुम लोग? ये जो ऊपर किताबें हैं, अच्छा तो दरअसल बच्चों के लिए किताबें हैं। ये बच्चों की लाइब्रेरी के रूप में है कि लाइब्रेरी के नाम पे किताबें दी गई हैं, मगर किस तरीके से ऊपर हैं, बच्चे कितना पढ़ पाते होंगे, मगर फिलहाल तो हालत यही है कि तबादला नीति के चलते इस स्कूल में जो कोई भी परमानेंट। स्कूल की इमारत के दूसरे कमरे जर्जर हाल में है, लिहाजा शेड में ही बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल में सुविधाओं का क्या हाल है, इसका अंदाजा पीने के पानी बच्चों की स्कूल में क्या है वहाँ पे आलम ही है। इस स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर खजूरी बंद गाँव के स्कूल के नलों का भी यही हाल है। जल जीवन मिशन के तहत स्कूल